नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के डबल हेडर डे के बारे में, यानी कि आज कुल मिलाकर के दो मैचेस होने वाले हैं। सबसे पहला मुकाबला कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच होगा, जो कि आज दोपहर को 2:30 में खेला जाएगा। इसके बाद शाम को एक और मैच होगा इस्लामाबाद और लाहौर के बीच में। तो दोनों मैचेस आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले चलिए बात कर लेते हैं कि इस समय पॉइंट्स टेबल के हालात क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पॉइंट्स टेबल के रेस में फिलहाल नंबर 1 पे मुल्तान की टीम है, नंबर 2 पे क्वेटा है, नंबर 3 पे जालमी है, नंबर 4 पे इस्लामाबाद की टीम है, नंबर 5 पे कराची किंग्स और नंबर 6 पे जो है लाहौर कलंदर्स की टीम है। यानी कि जो आज का जो 22nd मैच जो रहने वाली, दिन का पहला जो मुकाबला रहने वाला है, ये है दोस्तों नंबर 2 और नंबर 5 के बीच में, यानी कि क्वेटा और कराची के बीच में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेटा की टीम पिछले 6 में से 4 मुकाबले जीती है, एक मैच केवल हारी है और एक मैच जो है बारिश की वजह से रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए एक एक पॉइंट दोनों को मिल गए थे। बाकी कराची की बात करेंगे तो ये पिछले 6 में से केवल 2 मैचेस जीती हैं और 4 मैचेस हारी हैं। यानी कि पॉइंट्स टेबल पे एक चीज तो जाहिर हो रही है कि इस सीजन क्वेटा की टीम काफी मजबूत है। बाकी अगर आज का मुकाबला क्वेटा की टीम जीत जाती है तो इनके पास अभी 9 पॉइंट है, बाद में हो जाएंगे इनके पास 11 पॉइंट और ये नंबर 2 पर ही बनी रहेगी। लेकिन अगर कराची की टीम इस मुकाबले को जीत जाती है तो इनके पास अभी 4 पॉइंट है, जीतने के बाद 6 पॉइंट होंगे, तो ये भी नंबर 5 पर ही बनी रहेगी। यानी कि पॉइंट्स टेबल में ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों टीमें अपने पोजीशन पे मजबूती से खड़े रहेंगे। बाकी आज के जो शाम का मैच होने वाली है वो है दोस्तों लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद के बीच में। वैसे लाहौर की इकलौती ऐसी टीम है जो अब तक एक भी मैच नहीं जीती है, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या आज लाहौर कलंदर्स की टीम अपना खाता खोल पाएगी। बाकी आज के इस मैच की, यानी कि जो पहला मुकाबला होने वाला है, ये दोस्तों आप लोग सीधा रावलपिंडी से लाइव देखेंगे, यानी कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। और यहां के ओवरऑल जो पिच की रिपोर्ट है, एकदम बैटिंग वाली पिच है, गेंदबाजों में पेसर्स को मदद मिलेगा और पेसर्स इस पिच पे 65% विकेट लेते हैं, तो वहीं स्पिनर को भी 35% विकेट मिलती है। बाकी अगर आप लोग ड्रीम इलेवन या फैंटेसी टीम्स बना रहे हैं तो बैट्समैन को भी शामिल करें और पेसर्स को भी अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि इस वक्त ग्राउंड की स्टैट्स कैसी है। तो आपको बता दूं, लास्ट 13 मैचेस जो रावलपिंडी में खेले गए हैं उनमें फर्स्ट इनिंग के जो एवरेज स्कोर निकल करके आई है ये है 207 रन, सेकंड इनिंग के जो एवरेज स्कोर निकल करके आई है 191 रन, ग्राउंड की हाईएस्ट टोटल जो है ये है 262 रन, 262। बाकी इस पिच पे जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करती है उनकी जीतने की संभावना 62% है और जो टीम पहले गेंदबाजी करती है उनकी जीतने की संभावना केवल 38% है। तो एक चीज यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि आज क्वेटा या फिर कराची, दोनों में से जो भी टीम जीतेगी, मतलब टॉस जीतेगी, अधिक चांस यही रहेगा कि वो पहले बैटिंग करने का ही फैसला लेगी। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि पिच बहुत बैटिंग वाली है, तो इस पिच पे जो लास्ट के 2-3 मैचेस खेले गए हैं अगर उनकी ही बात कर लें तो आपको बता दूं इसी सीजन दोस्तों 20वां और 21वां मुकाबला इसी मैदान पे खेला गया था। और आपको याद होगा कल के दिन ही जब पेशावर की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो ये 204 रन बनाई, जबकि मुल्तान की टीम चेज करते हुए 200 रन बनाई। हालांकि जीत पेशावर को ही मिला, लेकिन देख सकते दोनों टीमों ने दो सौ रन बनाए। उससे पहले जो 20वां मुकाबला खेला गया था वहां पर देखिए इस्लामाबाद की टीम 196 बनाई और जालमी की टीम 167 पे ही इनका जो 20 ओवर खत्म हो गया था। यानी कि इन 4 इनिंग में देख सकते हैं कि तीन इनिंग में एकदम हाई स्कोरिंग रहा है और इसी वजह से पिच एकदम बैटिंग वाली है, एकदम तूफानी, आराम से 190 तो कम से कम बननी ही चाहिए जिस तरीके से पिच है। बाकी इससे पहले 2023 में भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला गया था और यहां पर भी देखिए इन दोनों टीमों ने जो है 190 क्रॉस कर लिए थे। बाकी इस समय दोस्तों दोनों ही टीमों के रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे तो आपको बता दूं क्वेटा की टीम जैसे कि आप जानते हैं पिछले 5 में से केवल 1 मैच हारी है, 4 मैचेस विन करी हैं, जबकि कराची की टीम पिछले 5 में से स्टार्टिंग के 2 मैचेस विन करी, बाकी पिछले तीनों के तीनों मुकाबले लगातार बैक टू बैक हार रही है। यानी कि क्वेटा की टीम फिलहाल रिसेंट मामले में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन जब बात आती है दोस्तों हेड टू हेड की, तो देखिए हेड टू हेड के मामले में अगर देखा जाए तो यहां पर भी लास्ट के 10 मैचेस में 7 मुकाबले क्वेटा की टीम ही जीती है और मात्र 3 मैचेस कराची की टीम जीती है। और इसमें से भी देखिए, इसमें जो 7 मैचेस क्वेटा की टीम जीती है ये पिछले 5 मैचेस की अगर बात कर लें तो लगातार दोस्तों लगातार बैक टू बैक क्वेटा की टीम ही जीत रही है। 2024 में जो 16th मैच जो खेला गया था वहां पर भी क्वेटा को जीत मिला, 2023 में 2 मैचेस हुए थे यहां, इन दोनों मैचेस में भी क्वेटा की टीम जीती, 2022 में भी 2 मैचेस खेले गए थे और यहां पर भी क्वेटा की टीम जीती है। यानी कि अगर ओवरऑल 5 मैचेस की दोस्तों बात करेंगे 2022 से लेकर के 2024 तक लगातार
क्वेटा की जो टीम है दोस्तों ये हमेशा कराची को हरा रही है। एक बार भी कराची की टीम अभी तक पिछले 5 मैचेस में जीत नहीं पाई है क्वेटा के सामने। तो ये भी आज कराची के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि आखिरकार किस तरीके से आज के इस पारी को खेलेंगे, किस तरीके से इस मैच को खेलेंगे। बाकी क्वेटा तो सभी मामले में मजबूत है, चाहे वो पॉइंट्स टेबल की बात करें या हेड टू हेड की बात करें या रिसेंट फॉर्म की बात करें और यहाँ तक कि पिच पे भी अगर देखा जाए तो एकदम बैटिंग वाली है। तो सभी मामले में दोस्तों फिलहाल क्वेटा की टीम काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बाकी एक चीज डिपेंड करेगा कराची के ऊपर, अगर कराची की टीम टॉस जीत जाती है तो अगर ये पहले बैटिंग कर लेगी तो थोड़ा सा जीतने की संभावना कराची की बढ़ जाएगी। बाकी सभी मामले में क्वेटा की टीम इस समय काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बाकी अगर आप लोग ड्रीम इलेवन या फैंटेसी टीम्स बना रहे हैं तो आज के इस मैच में कुछ टॉप पिक्स की बात करेंगे तो टीम सेफर्ट काफी अच्छे विकल्प रहेंगे विकेट कीपर बैट्समैन में, साथ ही साथ जेसन रॉय, रिली राजू और जेम्स विन इन 3 बल्लेबाजों को और विकेट कीपर को अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो आज शान मशूद और शोएब मलिक, सरफाने रुदरफोर्ड और शौद शकील इन चारों में से किसी 2 बल्लेबाज को जो है आप लोग कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बाकी गेंदबाजों की बात करेंगे तो हसन अली, अवरार अहमद और अकील हुसैन इन 3 गेंदबाजों को अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा, काफी अच्छे पॉइंट आपको जो है दिला सकते हैं। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करेंगे तो आप लोग जो है रिली राजू या जेम्स विंस को भी चुन सकते हैं क्योंकि पिच बैटिंग वाली है तो तूफानी बल्लेबाजी हो सकती है। बाकी दोस्तों आज के इस मैच के टॉस प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो फिलहाल इस मैच में यानी कि 22nd मैच में जहां कराची और क्वेटा की टीम होगी, इस वाले मैच में क्वेटा की टीम टॉस को जीत रही है। बाकी मैच के प्रेडिक्शन आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे टॉस के अकॉर्डिंग। तो यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी देखो ये रही दोपहर के मैच के टॉस प्रेडिक्शंस, इसके बाद जो शाम वाली दोस्तों मैच होने वाली है तो शाम वाली मैच के अगर टॉस प्रेडिक्शंस की बात करेंगे तो आपको बता दूं जो शाम को इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा, इस वाले मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम टॉस को जीत रही है। 23rd मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम टॉस को जीत रही है। बाकी इसका भी मैच प्रेडिक्शन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैच के दौरान आपसे सीधा टेलीग्राम चैनल पे मुलाकात होगी। तो मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।